हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटन वाले में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, सलमान खान, जी हाँ दोस्तों, आज हम बातें करेंगे सलमान खान के 2005 में आई मूवी नो एंट्री। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि इसका सीक्वल बनने वाला है नो एंट्री में एंट्री। जी हाँ, जहाँ पे आपको अनिल कपूर, सलमान खान और फरदीन खान, जी हाँ दोस्तों वही तीन सुपरस्टार दिखने वाले हैं दोस्तों। हालाँकि आपको बता दूँ कि दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है बॉलीवुड के गलियारों से नो एंट्री के सीक्वल को लेकर। दोस्तों, सलमान खान अभी व्यस्त हैं दोस्तों टाइगर 3 की शूटिंग। जी हाँ दोस्तों, अभी टाइगर 3 की शूटिंग स्टार्ट है और आपको पता ही है कि टाइगर 3 का जो रिलीज है वो दिवाली पे हो, जितना जल्दी शूटिंग करके ख़त्म करने चाहते हैं और एडिटिंग वगैरह जितने भी काम है सब करके वो दिवाली पे रिलीज कर देंगे। बट यार, उसके बाद जो खबर आई है ना यार, मज़ा आ गया सुन के। सच्ची बोल रहा हूँ, जिस तरीके से मुझे मज़ा आया ना भाई, उसी तरीके से आपको भी मज़ा आने वाला, क्योंकि खबर ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आपको बता दूँ कि जैसे ही टाइगर 3 की शूटिंग ख़त्म होगी ना भाई, सलमान खान लग जाएंगे नो एंट्री में एंट्री। जी हाँ दोस्तों, नो एंट्री पार्ट 2 की शूटिंग में लग जाएंगे। आपको बता दूँ कि उसके बाद बहुत सारी फिल्में हैं सलमान खान की, जैसे कि किक 2 का भी काम चालू है, उसके बाद करण जौहर का एक मूवी साइन किए हैं, उसके बाद प्रेम की शादी है। तो ये सारी फिल्मों को छोड़ के वो नो एंट्री का सीक्वल करेंगे दोस्तों, उसके बाद वो नेक्स्ट मूवी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जाहिर सी बात है, जब टाइगर 3 रिलीज हो जाएगी तो उसके बाद सलमान खान की कौन सी मूवी आएगी, सबके दिमाग में यही क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। और आपको पता ही है कि ईद 2024 पे सलमान खान नहीं आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं भाई? अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़े मियाँ छोटे मियाँ लेके। तो गाइस, उसके बाद कौन सी मूवी आएगी ये भी क्वेश्चन मार्क है ना, तो क्वेश्चन मार्क हटा दो, क्योंकि उसके बाद नो एंट्री का सिक्वल ही आएगा दोस्तों टाइगर 3 के बाद। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है यार नो एंट्री, बोले तो यार एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी भाई बॉक्स ऑफिस पे। मुझे आज भी याद है, मैं लखनऊ में था और वो मूवी एक जय हिंद थिएटर है, अगर आप लखनऊ से बिलोंग करते हो तो आपको याद होगा कि जय हिंद थिएटर था इस बाग में, वहाँ पे जाके मैंने ये मूवी को देखा था दोस्तों। मैं पूरे दोस्तों के साथ गया था मैं देखने और फुल एंजॉय किया था इस मूवी को दोस्तों। और इसकी सीक्वल को सभी का इंतजार है। आई होप कि ये भी नो एंट्री पार्ट 1 जैसी गुदगुदाए पब्लिक को और हंसाए दोस्तों। तो दोस्तों, बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।